हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टेड माइंड चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक फ्रेमवर्क के बारे में जिसका नाम है TAE फ्रेमवर्क। फ्रेंड्स, इस फ्रेमवर्क की मदद से आप स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में एंट्री या एग्जिट ले सकते हैं कैंडल स्टिक्स के बेसिस पर। तो अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता है तो आप प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए, जो कि ये वाली वीडियो है जिस पर मेरा पॉइंटर है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। टी का मतलब होता है ट्रेंड, ए का मतलब होता है एरिया ऑफ वैल्यू और ई का मतलब होता है एंट्री ट्रिगर। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो आपको सिर्फ एक एंट्री ट्रिगर के बारे में बताते हैं, बट आप सिर्फ एक उसके बेसिस पर किसी भी स्टॉक में एंट्री या एग्जिट नहीं ले सकते। अगर आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री या एग्जिट लेनी है तो आपको उस स्टॉक के ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए, आपको उसकी एरिया ऑफ वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए और एंट्री ट्रिगर तो पता ही होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड होता है कि इस टाइम स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, वो एक अप ट्रेंड में है या वो एक डाउन ट्रेंड में है। स्टॉक साइडवेज में भी मूव कर सकता है, बट आप सिर्फ तभी एंट्री लोगे अगर या तो वो अप ट्रेंड में है या वो डाउन ट्रेंड में है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी चीज़ें समझाऊंगा वो एक इंट्राडे के बेसिस पे समझाऊंगा, क्योंकि मेरे चार्ट की सेटिंग्स 15 मिनट्स की है। अब आप पूछेंगे कि ट्रेंड कैसे पता करें। फ्रेंड्स, ट्रेंड पता करने के बहुत से तरीके होते हैं, जैसे कि ADX इंडिकेटर, हेकिनेशी इंडिकेटर या मूविंग एवरेज। तो इन सब इंडिकेटर्स के बारे में मैं आपको अपने आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, बट फिलहाल मैं इस वीडियो को समझाने के लिए मूविंग एवरेज का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। इंट्राडे में अगर 5 दिन की मूविंग एवरेज पिछले 20 दिन की मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो उसका मतलब होता है अप ट्रेंड, जैसे कि आप इस पॉइंट पर देख सकते हैं। पिछले 5 दिन की मूविंग एवरेज 20 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि अब स्टॉक अप ट्रेंड में आ चुका है इंट्राडे के हिसाब से। और अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ कट करती है तो आप कह सकते हैं कि वो डाउन ट्रेंड में है। जैसे यहाँ पर इसने नीचे की तरफ इसको क्रॉस करा है तो आप ये कह सकते हैं कि अब यहाँ पे स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ गया है। अब मैं आता हूँ एरिया ऑफ वैल्यू पे। एरिया ऑफ वैल्यू किसी भी स्टॉक का सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी हो सकती है, मूविंग एवरेज भी हो सकती है, कोई ट्रेंड लाइन भी हो सकती है, या अगर स्टॉक किसी चैनल में मूव कर रहा है तो वो भी हो सकती है। इन चारों में से कुछ भी हो सकती है, तो इसके बारे में भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट इंट्राडे में अगर स्टॉक अपने 5 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करता है तो आप उसको एरिया ऑफ वैल्यू मान सकते हैं। और एंट्री ट्रिगर तो आप सबको पता ही है, जैसे कि जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो सारे एंट्री ट्रिगर का काम करते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर ये तीनों चीज़ें भी फॉलो हो रही है किसी भी स्टॉक में तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे भी 100% है। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। अगर ये तीनों चीज़ें भी पूरी हो रही है तब भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न से आप प्रोबेबिलिटी सिर्फ 60 या 70% की ही मानकर चलें, वरना आपका स्टॉक मार्केट में लॉस हो सकता है। अब मैं आपको एक एक करके एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पर पीरामल एंटरप्राइजेस का स्टॉक खोला हुआ है investing.com पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। फ्रेंड्स, जिस पॉइंट पर मेरा पॉइंटर है आप यहाँ पर देखिए कि पहले एक रेड कैंडल बनी, फिर एक डोजी कैंडल बनी और फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, जो आपका मॉर्निंग स्टार का कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। तो यहाँ पे आपका एंट्री ट्रिगर सक्सेसफुल हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 5 दिन की मूविंग एवरेज ने 20 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस करा है, तो ये आपको बताते हैं कि यहाँ से जो स्टॉक का ट्रेंड है वो अप ट्रेंड की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे आपकी दो चीज़ें पूरी हो गई है। और तीसरी चीज़ है एरिया ऑफ वैल्यू। आप जैसे कि पास्ट में जाके देख सकते हैं कि जो ये स्टॉक है वो अपने 5 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास ही चल रहा है, तो इस वजह से मैंने स्टॉक में 5 दिन की मूविंग एवरेज को एरिया ऑफ वैल्यू माना है। तो आप देख सकते हैं कि जो मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना है वो 5 दिन की मूविंग एवरेज के पास ही बना है। तो अगर सपोज आपने यहाँ पर बाय किया होता तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक की वैल्यू कहाँ से कहाँ चलेगी एक ही दिन में। अब मैं आपको एक आधा एग्जांपल और दिखाता हूँ इस वीडियो में। अब आप जैसे इस पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर आपका एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, क्योंकि रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल की बॉडी को पूरे तरीके से इनगल्फ कर लिया है। बट जैसा कि आपको पता है यहाँ पर आपका अप ट्रेंड था, तो इसलिए मैं अगर होता तो मैं यहाँ पर एंट्री ना लेता। बट सपोज अगर आप सिर्फ कैंडलस्टिक के बेसिस पे ही ट्रेड करते हैं और आपने यहाँ पे एंट्री ली तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता हर बार, कभी कभी हो सकता है, बट आपका ज़्यादातर ऐसे नुकसान ही होगा।
अब मैं आपको इसमें एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर, यहाँ पर पीछे 5 दिन की मूविंग एवरेज ने 20 डेज की मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करा था, तो इसका मतलब है डाउन ट्रेंड। अब आप देखिए इस कैंडल को, यहाँ पर रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया है, तो इसलिए यहाँ पे इनगल्फिंग बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड भी आपका डाउन ट्रेंड है, और जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है ये पिछले 5 दिन की मूविंग एवरेज के पास में बन रहा है, तो आप यहाँ पर इस सेल को शॉर्ट कर सकते थे। और आप जैसे देख सकते हैं उसके बाद इसका प्राइस नीचे ही गया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बजाज फाइनेंस के स्टॉक पर, जहाँ पर मैं आपको ये चीज़ एक और बार दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पर इस पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर पहले एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक छोटी डोजी कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, जो कि एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जो कि आपको एक बेयरिश साइन के बारे में बताता है। अब मैं देखता हूँ ट्रेंड के बारे में। यहाँ पर पिछले 5 दिन की मूविंग एवरेज ने पिछले 20 दिन की मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करा है, तो इट इंडिकेट्स कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है। अब आपने देखा जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है ये पिछले 5 दिन की मूविंग एवरेज के पास ही बना है, तो इसका मतलब है कि एक एरिया ऑफ वैल्यू है। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। और सपोज आपने यहाँ पर इसको सेल कर दिया, तो आप देख सकते हैं इसके बाद इसका प्राइस नीचे की तरफ ही गया है। और फ्रेंड्स, अगर आप पहले से इंट्राडे में कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज़ कर रहे थे, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप उसको आइसोलेशन मोड पर यूज़ ना करें, आप उसके साथ ट्रेंड का भी यूज़ करें और एरिया ऑफ वैल्यू का भी यूज़ करें। मैं मानता हूँ कि अगर आप सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज़ करते हैं तो भी आपका फ़ायदा हो सकता है, बट आपका कभी ना कभी नुकसान भी हो सकता है। और अगर आप इन 3 चीज़ों को एक साथ यूज़ करोगे तो आपकी नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सब बताना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे से मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए। और हो सके तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू एवरीवन।